was Dalit or not. इस बात से ये लगता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जीवन दान के लिए उनको बताया गया कि संजीवनी लेके आओ, संजीवनी तो मिला नहीं, वो पूरा पहाड़ को उठा के ले आया, तो मुझे लगता है कि जो ऑलमैन आर्मी था उन्होंने ऐसे ही काम किया, मॉडर्न हनुमान जी बनना चाहते थे। उनको कहा गया कि क्या डेथ है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, व्हाट इज द लूप होल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम, वो चले गए कहीं और, लेके आया कुछ और जो दलित थे और नहीं थे। सो दैट वॉज द आयरनी। आपको पता होगा कि एक्चुअल टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। आपको समझना होगा डिस्क्रिमिनेशन क्या है, हाउ इट हैपेंस। डिस्क्रिमिनेशन होता है कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, द मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट हैव एनीथिंग, दिस इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी इसमें छुपा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। और इसको जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम से बाहर आता है, दैट क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन। और हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन, मैंने एक फॉर्मूला दिया हूं, इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन मोर देन दैट, इट हैज 4 P, प्लानिंग प्रोसेस प्रोसीड्योर एंड प्लानिंग प्रोसेस प्रोसीड्योर एंड 4-1 आई जस्ट फॉरगेट। इसका मतलब यही है, इंस्टीट्यूशन हैज थॉट अबाउट प्रैक्टिस, यस थैंक यू। सो इंस्टीट्यूशन थॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन को रखना है, तो पॉलिसी लेवल में ऐसे काम करना है कि इनको पता भी ना चले। दैट्स व्हाई डिस्क्रिमिनेशन इज हायर स्टडी, हायर इंस्टीट्यूशन इज वेरी मच नॉट वोकल, दिखाई नहीं देता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ डेथ ऑफ बमुला एंड अदर स्कॉलर्स लाइक इन इंडिया, नॉट ओनली इन हैदराबाद यूनिवर्सिटी, रिसेंटली देयर इज अ हैपनिंग इन अंबेडकर यूनिवर्सिटी इन दिल्ली JNU। क्वेश्चन आता है व्हाई इट हैपेंस, क्या कारण था, कारण यही था। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जस्ट फाइंड आउट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाउ मेनी प्रोफेसर्स, सो कॉल्ड आर्म्ड रिजर्व प्रोफेसर हैव देयर स्कॉलर्स फ्रॉम दलित कम्युनिटी। आपको पता चल जाएगा क्या इस तरह से क्या सिचुएशन है। कुछ हो भी हो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, इनको देयर आर सेवरल डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसका रिपोर्ट गायब किया जाता है, टाइमली प्रमोशन नहीं दिया जाता है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल स्ट्रमा नहीं होगा तो क्या होगा, डेथ नहीं होगा तो क्या होगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की छेड़खानी है, अंबेडकर जी एक बार कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन छेड़खानी होगा आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू संविधान को पारण करेंगे, चला देंगे, आज वो होते पता नहीं क्या करते। आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूशन में अभी रिसेंटली रत्नलाल जी कहा कि 10% रिजर्वेशन दिया है EWS, अच्छी बात है, एट द एंड ऑफ द पार्लियामेंट का सेशन के एंड में लेके आया कि कोई विरोध ना करे, मसाला भी है, पॉलिटिकल पार्टी का किसी ने अपोज नहीं किया, एक्सेप्ट शासन ने उठाया। ये आपको समझना पड़ेगा कि रिजर्वेशन तो दिया है, इसके पीछे क्या है, आपको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अभी तक क्यों नहीं दिया है, दिया होता तो आज ये सवाल नहीं उठता। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इसके उपाय क्या है, आपका बेमुला क्या हुआ, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इससे क्या रिटर्न मिला हमको। ये रिटर्न मिला है जो लेफ्टिस्ट जो क्रिटिसाइज करते थे अंबेडकर का विजन को, डेमोक्रेटिक प्रोविजन को, आज वो इनके साथ करे लग गए, उनके साथ खुले का अंबेडकर का झंडा ला के फरमास के साथ दिखाई देता है। ये एक गेन हुआ है मेरे हिसाब से। एक और गेन हुआ है, बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे दलित कम्युनिटी इकट्ठा हुआ है किसके लिए, जैसे बप्सा JNU में है, नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर द रियल कॉज ऑफ दलित, ये एक गेन हुआ है आफ्टर डेथ ऑफ बमुला। और क्या गेन हुआ है, एक गेन हुआ है कि
डेमुलर के बाद रोहित एक्ट के बारे में बात किया जाता है कि रोहित एक्ट कब लागू होगा। मेरे हिसाब से रोहित एक्ट लागू करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन दिस कंट्री। अभी तक नहीं किया है, मुझे लगता नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए क्या करना होगा? द ग्रुप को यू हैव टू अकम्प्लिश yourself, you have to appoint yourself to fight against this discrimination. आपको इकट्ठा होना होगा और अलग से एक फॉर्म मांगना होगा to fight with this discrimination of the government. आपको कैंपेन के थ्रू आपको ये बताना होगा, लॉबिंग करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्टर है, जो मिनिस्टर है, जो लॉबिंग के थ्रू उनके साथ बात करना होगा कि वी आर नॉट बिहाइंड, हम भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े। लेकिन आपको ये कहता हूं कि ये नहीं किया जाएगा। क्यों? व्हाट हैपनिंग इन यूनिवर्सिटी नाउ? इसी में पास हो गया कि देयर इज नो एडहॉक सिस्टम, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्चुअल। इसके पीछे भी बहुत सारे इश्यूज है, ये आपको डिटेल में नहीं बताया जाएंगे लेकिन आपको पता होगा। अल्टीमेटली आपको क्या होगा, एकजुट होगा करना होगा और यू हैव टू बी टुगेदर, यू हैव टू बी टुगेदर योरसेल्फ टू फाइट दिस इवेंट। ये आज कॉन्स्टिट्यूशन का डेथ है, जो रत्ना जी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डेथ है, इसको बचाना होगा, इकट्ठा होना होगा, सिर्फ दलित नहीं सारे कम्युनिटी इकट्ठा करना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में यहाँ भी एक्टिव हर कम्युनिटी में पहुँचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। थैंक यू सुंदर जी।